हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आप कोई पीसी बिल करना चाहते हैं और या फिर मान लीजिए आपके पास पहले से कोई ओल्ड सिस्टम है, चाहे मान लीजिए लैपटॉप है या फिर मान लीजिए डेस्कटॉप हुआ, तो दोस्तों वहाँ पे मान लीजिए आप कोई न्यू हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों चाहे मान लीजिए हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हैं, चाहे मान लीजिए सोलिड स्टेट ड्राइव लगाना चाहते हैं, मतलब 2.5 इंच वाली, या फिर मान लीजिए आप वहाँ पे कोई M.2 सोलिड स्टेट ड्राइव लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों उन ड्राइव का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास MBR और एक होता है GPT। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा MBR क्या होता है और जो हमारा GPT क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और दोस्तों साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा होता है। और दोस्तों आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आपको पीसी बिल्ड करना चाहते हैं या फिर मान लीजिए न्यू हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हैं, अगर आपको इन दोनों के बारे में पता होगा तो वहां पे आप अपनी हार्ड ड्राइव या फिर मान लीजिए कोई भी आप ड्राइव लगाना चाहते हैं उसका जो आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो ये सब चीज जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो MBR होता है और जो हमारा GPT होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे MBR का मतलब होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, और यहाँ पे जो GPT का मतलब होता है वो होता है यहाँ पे GID पार्टीशन टेबल, और GID को भी हम फर्दर ले तो वो होता है यहाँ पे ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। तो दोस्तों ये दो तरह के हमारे जो वहाँ पे तरीके होते हैं जिनमें क्या होता है कि हमारी जो कोई भी ड्राइव होती है उनमें जो वहाँ पे पार्टीशन जो इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोरेज होती है, पार्टीशन इन्फॉर्मेशन से मतलब मेरा ये है कि वहाँ पे उसमें स्टोरेज होता है कि मतलब इन मेथड के जरिए कि वहाँ पे हमारा जो पार्टीशन है वो किस सेक्टर से किस सेक्टर तक है, मतलब वहां पे पार्टीशन की ये इन्फॉर्मेशन स्टोरेज होती है, और साथ में ये इन्फॉर्मेशन स्टोरेज होती है कि वहां पे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो है कौन से मतलब पार्टीशन में है, और वहां पे मतलब बूट स्टोरेज इन्फॉर्मेशन उसकी जो स्टोरेज है इन मेथड के जरिए होती है। दोस्तों वहां पे ये दो तरीके के इस्तेमाल किया जाते हैं, मतलब वहां पे आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई हार्ड ड्राइव लगाते हैं न्यू, या फिर मान लीजिए कोई भी हम मान लीजिए कि जब भी हम कोई ड्राइव का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहां पे आप उसे एज इट इज तो इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम जो इंटरनल ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे क्या करते हैं कि हम उसका पार्टीशन करते हैं, मतलब वहां पे क्या करते हैं कि उसके हम जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन बनाते हैं ताकि वो जो है हमें समान यानी कि रखने में कोई दिक्कत ना हो, मतलब हमारा जो इस ड्राइव में समान पड़ा है इस ड्राइव में समान पड़ा है, मतलब यहाँ पे ये तो नहीं होता कि मान लीजिए हम 2 TB की या 1 TB की हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं तो उसको एज इट इज ड्राइव, मतलब उसमें हमारी विंडो भी इसमें सब कुछ हमारा समान भी इसमें, क्योंकि आपको जैसे पता है कि अगर हमारी विंडो करप्ट हुई तो वहां पे हमारा जो समान होगा उस ड्राइव के अंदर भी चला जाएगा, क्योंकि हमें फिर दोबारा से विंडो डालनी पड़ेगी। तो वहां पे दोस्तों हम इसी करके पार्टीशन बनाते हैं, मतलब जिनमें जो हमारा पार्टीशन जो बनाते हैं उसमें जो हमारा डाटा सेफ रहे, और वहां पे जो हमारी एक ड्राइव मतलब पार्टीशन के अंदर वहां पे हमारी जो विंडो इंस्टॉल हो, मतलब ये जो हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो दोस्तों इसी करके जब भी आपने देखा होगा जब भी हम कोई हार्ड ड्राइव लगाते हैं तो वहां पे हमारी जो विंडो में भी ऑप्शन आता है कि आप इसको जो मास्टर बूट रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं या GPT पार्टीशन टेबल के थ्रू इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब वहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जब भी आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारा जो MBR होता है और GPT होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था। तो दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस हमारा जो होता है वो होता है कि हमारे जितने भी पुराने लैपटॉप होते थे या फिर डेस्कटॉप होते थे जो कंपनी तरफ से बने बनाए आते थे, तो उनमें आपने देखा होगा कि इनमें जो लेगेसी बायस होते थे, और वहां पे जब लेगेसी बायस होते थे तो वहां पे आप क्या कर सकते थे कि आप जो है पार्टीशन टेबल कर सकते थे वो MBR के थ्रू ही कर सकते थे, वहां पे आपको GPT का सपोर्ट नहीं मिलता था। क्योंकि दोस्तों जितने भी हमारे GPT होते हैं मतलब जो आप पार्टीशन कर सकते हैं, मतलब GPT का आपको सपोर्ट मिलेगा, मतलब जो हमारा GRD पार्टीशन टेबल होता है ये जो आपको सिर्फ UEFI बायस होते हैं उनके थ्रू ही मिल सकता है। UEFI का यहां पे मतलब होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, तो दोस्तों उसके थ्रू ही आप कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल मतलब यह है कि हमारा जो लेगेसी बायस होता है वो जो हमारा MBR जो सपोर्ट करता है, मतलब उसके थ्रू ही आप जो पार्टीशन कर सकते हैं और वहां पे अपनी जो ड्राइव के अंदर विंडो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। पर दोस्तों हमारे जो UEFI बायस होते हैं उनमें जो क्या होता है कि हमें GPT का सपोर्ट मिलता है, मतलब वहां पे आप उसके थ्रू जो वहां पे पार्टीशन कर सकते हैं और विंडो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, मतलब आप ये समझिए। और कहीं में आपने देखा होगा कि हमारे जो डेस्कटॉप होते हैं या फिर मान लीजिए लैपटॉप होते हैं उनमें जो न्यू लैपटॉप होते हैं उनमें आपको लेगेसी बायस भी मिलते हैं और वहां पे आपको UEFI बायस भी मिलते हैं, मतलब दोनों का सपोर्ट मिलता है। और वहां पे आप फिर डिपेंड करता है कि आपको लेगेसी बायस से सपोर्ट करवाना या फिर आपको वहां पे UEFI बायस का यूज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों मैं आपको फर्दर और इन्फॉर्मेशन बताऊंगा मतलब MBR और GPT के बारे में, फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा में बेस्ट होता है। और दोस्तों साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो MBR पार्टीशन टेबल होता है ये जो होता है IBM ने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब अपने जो डोस पीसी के लिए, और ये जो 1983 में इंट्रोड्यूस किया था। पर दोस्तों यहां पे हमारा जो GPT होता है वो जो होता है 1990 में इंट्रोड्यूस किया था, मतलब ये जो हमारा न्यू सिस्टम है, मतलब यहां पे आप सिंपल मतलब ये समझ सकते हैं कि हमारा जो MBR होता है ये पुराना मेथड है और जो हमारा GPT होता है वो न्यू मेथड होता है, मतलब पार्टीशन के लिए। दोस्तों
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगला इनमें जो मेन डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस होता है इनमें सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है यहाँ पे दोस्तों, मेजर डिफरेंस जो होता है वो होता है स्टोरेज कैपेसिटी का। मतलब यहाँ पे MBR पार्टीशन टेबल में आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे आप मैक्सिमम 2 TB तक की ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी का। अगर मान लीजिए आप उससे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसका वहाँ पे जो पार्टीशन नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पे क्या करेगा कि वो पार्टीशन अगर आपके करेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि बाकी 2 TB से ऊपर को वहाँ पे वो स्पेस अनलोकेट दिखा देगा, मतलब वहाँ पे उससे ऊपर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे MBR में आप जो पार्टीशन का कर सकते हैं, मतलब किसी भी ड्राइव का स्टोरेज कैपेसिटी का, वो 2 TB तक कर सकते हैं, मतलब उससे ऊपर की का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पे आपके पार्टीशन प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे। तो दोस्तों ये जो इसकी एक लिमिट होती है। पर दोस्तों यहाँ पे होता है कि GPT सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पे आप 2 TB से ऊपर की स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे आप पार्टीशन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आप जो है 9.4 GB का वहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम इतने का इस्तेमाल नहीं करते। अगर जो मैं कहूँ कि 9.4 GB जो कितनी होती है, तो मान लीजिए कि एक हमारी GB जो होती है वो 1 billion TB के इक्वल होती है। तो आप दोस्तों देखिए यहाँ पे आप स्टोरेज कैपेसिटी का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम दोस्तों इतनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी का इस्तेमाल ही नहीं करते। मतलब हम इतनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी का जो सर्वर्स में या बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, पर हम जो अपने यूज के लिए इतनी ज्यादा स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते। हम मैक्सिमम मान लीजिए 1 TB, 2 या मान लीजिए 4 या फिर मान लीजिए 16 TB तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अपने पर्पस के लिए। सिंपल मतलब यह है कि वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी जो हमारी लिमिट है, मतलब हम पार्टीशन कर सकते हैं और विंडो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं वहाँ पे जो MBR में 2 TB तक है, मतलब उससे ऊपर के आप अगर जब इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको अनलोकेट स्पेस दिखा देगा। और यहाँ पे मान लीजिए आप 2 TB से ऊपर भी है वहाँ पे जो अपनी हार्ड ड्राइव का पार्टीशन कर सकते हैं, मतलब स्टोरेज डिवाइस का, और वहाँ पे अपनी विंडो डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये इनमें जो मेजर फर्क है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि और मेजर फर्क क्या होता है कि यहाँ पे जो अगला फर्क होता है वो होता है पार्टीशन का। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि हमारा जो MBR जो सिस्टम होता है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम आप जो 4 पार्टीशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब आप कोई विंडो इंस्टॉलेशन हुआ कहती है कंपनी तरफ से या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप में, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ड्राइव होती है हमारी सी ड्राइव, फिर बाद में हम उसका पार्टीशन करते हैं। और अगर मान लीजिए आप उसका पार्टीशन करेंगे तो आपको 4 पार्टीशन करेंगे क्योंकि वो MBR में ज्यादातर होता है। तो दोस्तों सिंपल मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने कोई 1 TB की हार्ड ड्राइव लगाई है तो वहां पे आप उसके जो मैक्सिमम 4 पार्टीशन कर सकते हैं, मतलब उससे ज्यादा आप पार्टीशन नहीं कर सकते वहां पे। मान लीजिए जो हमारे प्राइमरी पार्टीशन होते हैं, अगर आप मान लीजिए कि आप उसका पार्टीशन और ज्यादा करना चाहते हैं, मतलब ट्रिक के जरिए वो कर सकते हैं, मतलब वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे 3 में प्राइमरी पार्टीशन कर सकते हैं और 1 जो होता है मतलब वहां पे क्या कर सकते हैं कि एक्सटेंडेड पार्टीशन कर सकते हैं। मतलब वहां पे आप क्या कर सकते हैं 3 प्राइमरी पार्टीशन बनाकर, मतलब आप उनमें किसी में भी विंडो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, मतलब किसी भी ड्राइव में, और वहां पे जो बाकी आप जो एक्सटेंडेड पार्टीशन बना के मतलब उसमें लॉजिकल ड्राइव बना सकते हैं। मतलब वहां पे फिर लॉजिकल ड्राइव बनाने के बाद फिर क्या होगा कि आप उसके अंदर सिर्फ डाटा स्टोरेज करने के लिए आप सामान रख सकते हैं, मान लीजिए पिक्चर हुआ, सॉन्ग्स हुए या फिर मान लीजिए फोटोज हुई, कुछ भी रख सकते हैं मान लीजिए सॉफ्टवेयर, पर वहां पे आप जो विंडो इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते लॉजिकल ड्राइव में। आप सिर्फ जो विंडो इंस्टॉलेशन है वो प्राइमरी जो हमारे पार्टीशन है उसके अंदर ही इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल मतलब ये है कि हमारा जो MBR सिस्टम होता है इसमें आप जो मैक्सिमम 4 पार्टीशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इसकी एक लिमिट होती है। पर दोस्तों यहाँ पे अगर हम GPT के लिए, तो वहां पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मतलब GPT सिस्टम में वहां पे आप अपने आप ड्राइव में 128 पार्टीशन कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने 10 या मान लीजिए कि आपने 16 TB की जो हार्ड ड्राइव वहां पे इंस्टॉलेशन की है, तो आप उसके मान लीजिए कि आप उसके पार्टीशन काफी सारे कर सकते हैं, मतलब वहां पे आपको 128 प्राइमरी पार्टीशन करने को मिल सकते हैं। मतलब वहां पे आप देखिए कि यहाँ पे हमारे जो 4 हम प्राइमरी पार्टीशन कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम जो 128 प्राइमरी पार्टीशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें आप जो पार्टीशन करने के आपको काफी ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, मतलब यहाँ पे इसमें जो एक और एडवांटेज होती है। दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा जो MBR और जो हमारे GPT के अंदर जो अगला मेजर डिफरेंस क्या था, वो दोस्तों होता है स्टोरेज इन्फॉर्मेशन का। वो स्टोरेज इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि हमारे जो MBR सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है कि वहां पे क्या होता है कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन मतलब पार्टीशन इन्फॉर्मेशन है और जो मान लीजिए बूट की इन्फॉर्मेशन है वो जो सिर्फ एक जगह पे स्टोरेज होती है, मतलब वो शुरुआत में स्टोरेज होती है। अगर मान लीजिए कि वो जो है खराब होगी वहां से या करप्ट होगी, तो वहां पे क्या होगा कि आपकी वो फिर जो हार्ड ड्राइव है करप्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ कहें कि आपकी जो विंडो उड़ जाएगी या फिर कहें कि आपकी स्टोरेज पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन करप्ट हो जाएगी वहां पे, जिसकी वजह से वो रिकवर नहीं की जा सकती और फिर वहां पे आपको एरर शो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये होता है। और यहाँ पे उसकी जगह पे GPT में क्या होता है कि वहां पे जो हमारी GPT होती है उसके अंदर जो हमारी पार्टीशन इन्फॉर्मेशन है और जो बूट इन्फॉर्मेशन है वो जो हमारी शुरुआती में मतलब हार्ड ड्राइव के और जो हमारे एंड में वहां पे 2 जगह पे इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। मान लीजिए कि शुरुआती से वहां पे इन्फॉर्मेशन उसकी खराब होगी तो वो क्या है कि वो जो लास्ट में इन्फॉर्मेशन स्टोरेज होती है वहां से उसकी इन्फॉर्मेशन फिर दोबारा उठा लेगा, मतलब वहां पे फिर दोबारा वो जो बैकअप कर लेगा उस जगह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे हमारी जो विंडो करप्ट कम होती है या फिर मान लीजिए कि हमारी जो हार्ड ड्राइव पार्टीशन इन्फॉर्मेशन भी है मतलब वो जो है करप्ट नहीं होती इतनी जल्दी। मतलब GPT में क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो पार्टीशन इन्फॉर्मेशन और जो बूट डाटा इन्फॉर्मेशन है वो जो है 2 जगह पे या उससे ज्यादा
अलग जगह पे वहाँ पे स्टोरेज होता है। पर दोस्तों MBR में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो बूट डाटा और जो हमारा पार्टीशन इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह पे स्टोर होती है। मतलब जो हमारे डिस्क के शुरुआत में अगर वहाँ पे वो खराब हो गया तो समझ लो आपकी विंडो भी करप्ट हो जाएगी, वहाँ पे सिस्टम बूट अप ही नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो इसमें एक खामी होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में अगला जो मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगला मेजर डिफरेंस होता है वो होता है CRC का। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो हमारे MBR के अंदर हमें जो CRC का सपोर्ट नहीं मिलता। CRC का यहाँ पे मतलब होता है साइकिल रिडंडेंसी चेक। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एरर डिटेक्शन कोड होते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए हमारा कोई चीज है, मतलब काफी टाइम से हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो समय समय पर चेक करता रहता है और यहाँ पे क्या होता है कि हमें उसका सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब वहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई डाटा अगर जो करप्ट हो रहा है तो उसमें यहाँ पे MBR में पता नहीं चलता कि वो डाटा हमारा करप्ट हो रहा है उसको सही किया जाए। पर जबकि यहाँ पे GPT के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे हमें CRC का सपोर्ट मिलता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए हमारे जो रॉ डाटा के अंदर मतलब कोई हमारे जो वैल्यू चेंज हो चुकी है वो उसको डिटेक्ट करता है और वहाँ पे क्या करता है कि उसको सही करने की कोशिश करता है। तो दोस्त सिंपल मतलब ये है कि हमारे GPT के अंदर वो प्रॉब्लम को वहाँ पे नोटिस करता है और फिर उसके बाद क्या करता है कि उसको वो रिकवर कर लेता है, मतलब उसको सही कर देता है और वो समय समय पर ये चीज़ करता रहता है। पर दोस्तों MBR में ये चीज नहीं होती। मतलब वहाँ पे अगर आपका डाटा करप्ट हो गया तो करप्ट हो गया, वहाँ पे रिकवर नहीं किया जा सकता। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि इस मेथड के थ्रू क्या होता है कि वहाँ पे आप जो GPT के अंदर अपना डाटा जो जल्दी से रिकवर कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपका डाटा वहाँ पे जो MBR में होता है वो आपका इतनी जल्दी से रिकवर नहीं होगा। तो दोस्तों ये भी इनमें जो एक डिफरेंस होता है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे GPT का GUID पार्टीशन टेबल होता है, मतलब जिसका मतलब होता है ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। मतलब यहाँ पे क्या होता है एक ग्लोबली इन्हें जो आइडेंटिफिकेशन दी होती है मतलब वो जो चेंज नहीं होती, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे आप इस टेबल में देखिए, यहाँ पे देखिए विंडोज की और HP की, लाइनक्स की, यहाँ पे ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर जो होती है मतलब यह वैल्यू वो सब कुछ दी है, मतलब रजिस्टर की दी है। तो आप दोस्तों देखिए कि यहाँ पे वो जो है एक स्टैंडर्ड है, मतलब यानी कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये जो इनमें पर MBR में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों ये जो इनमें हो गया एक अगला मेजर डिफरेंस हो गया। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो हमारा GPT सब चीज में बेस्ट है तो हम MBR का क्यों इस्तेमाल करें। मतलब यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमारा जो MBR होता है मतलब जैसे ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और मान लीजिए 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको सबको सपोर्ट करता है। पर दोस्तों यहाँ पे जो हमारा GPT होता है वो मान लीजिए कि 32-bit में कम ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है और 64-bit में वहाँ पे भी आपके UEFI BIOS होने चाहिए तभी वो सपोर्ट करेगा। जैसे कि आप इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए कि हमारे जो 32-bit में जो वो जो है विंडो XP सर्वर विस्टा मतलब सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी। मतलब वहाँ पे आप रीड राइट तो कर सकते हैं मतलब डाटा, मतलब यानी कि आप जो स्टोरेज डिवाइस के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वहाँ पे आपका वो जो बूटिंग नहीं सपोर्ट करता, मतलब आप विंडो इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते इसमें, मतलब बूट सपोर्ट नहीं करता। तो दोस्तों वहाँ पे जो बूट जो सपोर्ट करता है वो विंडो 8.1 और 10 में सपोर्ट करता है। पर 64-bit में देखिए कि वहाँ पे आप रीड राइट दोनों कर सकते हैं और बूट सपोर्ट भी आप कर सकते हैं, मतलब XP के अंदर नहीं कर सकते 64-bit में। पर मान लीजिए आपकी विंडो विस्टा है, विंडो 7 है, 8 है, 8.1 है और 10 है, मतलब उनमें आपके ये जो है GPT सपोर्ट करता है और वहाँ पे बस आपके UEFI BIOS होने चाहिए। तो दोस्तों ओवरऑल देखिए हम GPT के अंदर हम जो स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे आप पार्टीशन भी काफी ज्यादा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पे वो CRC का सपोर्ट भी मिलता हमें कि हमारा जो कोई डाटा खराब हो रहा था उसको सही भी कर देता है, मतलब टाइम टाइम सीरीज, और मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी जो रिकवरी भी जल्दी हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि इन चीजों की सभी की वजह से यहाँ पे जो ये फास्ट रहती है, मतलब यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस फास्ट देखने को मिलती है, मतलब ये जो बूटिंग डिवाइस भी हमें फास्ट देता है, पर यहाँ पे जो MBR में हमारा जो स्लो चलता है। तो दोस्तों ये भी इनमें जो एक डिफरेंस हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो GPT बेस्ट होता है, मतलब अगर आपके UEFI BIOS है और मान लीजिए कि आपके ज्यादा पार्टीशन करनी है और वहाँ पे मान लीजिए आपको बूट भी फास्ट चाहिए और वहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि आपको रिकवरी, मान लीजिए आपको कोई डाटा लॉस हो गया तो रिकवरी करना है तो वहाँ पे रिकवरी भी जल्दी रहता है, तो यहाँ पे GPT बेस्ट होता है। अगर मान लीजिए आपके वहाँ पे 32-bit है और मान लीजिए कि आपके लेगेसी BIOS है तो वहाँ पे आपको फिर MBR ही यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि हमारा जो MBR होता है और जो GPT होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है, तब तक नहीं सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।